वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा हम इंटीग्रेशन चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज पे पहुंच गए हैं. मिसलेनियस एक्सरसाइज है हमारे पास. उसमें सभी के सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करने वाले हैं आपके लिए. और नो डाउट एक्सरसाइज लेंथी है एज वेल एज इम्पॉर्टेंट भी है. ठीक है, आपको वैरायटी में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं एज वेल एज लेंथी भी हैं. ठीक है, तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ. कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करवा पाऊँ. बाकी क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करोगे बेटा. मिसलेनियस एक्सरसाइज है हमारे पास चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 1. एक्स माइनस एक्स रेज टू पावर 3 इसको इंटीग्रेट करना है. अब जब हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट आती है हमें मालूम है कि ये क्या है, एक रैशनल फॉर्म में है, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि मेरे को क्या पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या है फॉलो करना है. ठीक है, लेट दिस बी इक्वल टू y, x यहां से कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, dx ओवर x, इसके फिर फैक्टर किए 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस x. अब ये हमारे पास वो फॉर्म अवेलेबल होगी कि जहाँ पे हम इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट हमारा वर्किंग स्टेप आता है कि हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएं. बी ओवर 1 माइनस एक्स प्लस सी ओवर 1 प्लस एक्स. ठीक है, आपको सारे स्टेप्स याद होने चाहिए. एलसीएम एक्चुअल में हम सॉल्व करते हैं, बी इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस सी इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स. ठीक है, फिर आपको ये बताया गया कि जब आपके पास ज़्यादा डिफिकल्ट वाली सिचुएशन आ जाए ना, जहाँ पे आपको मालूम ना पड़े, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप x की एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं. आप क्या है, कोएफिशिएंट बना लेते हैं, उनको कंपेयर करके भी आप सॉल्व कर पाते हैं या सॉल्व कर लेते हैं. x square into a plus b into x, b into x square plus c into x minus c into x square. ठीक है, x square के आप कोएफिशिएंट कलेक्ट करोगे, माइनस ए प्लस बी माइनस सी, दिस दिस एंड दिस, फिर एक्स 1 2 एंड देन लास्ट ए. ठीक है, जब आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है, ए विल बी इक्वल टू 1, b प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है जी, और माइनस ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0. यहाँ से आपके पास क्या बना, b माइनस सी इज इक्वल टू ए, और a की वैल्यू आपके पास क्या इवेलुएट हुई है, 1. b माइनस सी इज इक्वल टू 1, b प्लस सी इज इक्वल टू 0. इन दोनों को सॉल्व कीजिए बेटा, 2 इंटू बी इज इक्वल टू 1, विच विल इम्प्लाइज b विल बी 1 ओवर 2. अब ये b की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी. वैल्यू ऑफ b 1/2 माइनस c इज इक्वल टू 1, c विल बी 1 माइनस 1/2 माइनस c इज इक्वल टू 1 में से हाफ को सब्ट्रैक्ट किया, 1, दिस इज 2, दिस इज 3.
ए बी एंड सी तीनों वैल्यू आपके पास आ गई हैं, वैल्यूज अवेलेबल हैं, अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। यहां पे मैं ए बी सी की वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटे, वैल्यू ऑफ ए 1i, बी की वैल्यू प्लस 1/2, सी की वैल्यू मेरे पास आई माइनस 1/2, मेरे को करना है इंटीग्रेशन लीनियर प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस होती है डी एक्स ओवर एक्स या वन ओवर एक्स लॉग एक्स, इसका होगा माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस सी। यहां से हम माइनस 1/2 हमने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, ठीक है, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक आप इसको क्विट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको आगे इसको प्रोड्यूस करना है तो कंप्लीट यहां पे 2 लेके जाइए, फिर वो पावर में जाएगा तो फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर यहां तक आपने इसको क्विट करना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इससे आगे जाने का है आपको बेटा, तो ये बनेगा 2 log x माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 c, ठीक है। ये बनेगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, फिर ये बनेगा लॉग एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। इस लेवल तक आप तब पहुंचोगे बेटा जी कि जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसमें डाउट रहता है तो आप इसको यहीं तक छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ हमने क्या किया है, मैंने एलसीएम सॉल्व किया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ एज वेल एज 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय आई, तो 2 i, और अगर मैं आई का आंसर निकालना चाहूँ तो ये आंसर बनने वाला है इसका, ठीक है। तो अगर आपको तनिक भर भी डाउट लगे या इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो कि मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि आंसर तो आपको पेपर में नहीं मालूम होने वाले, तो आप यहाँ तक इसको छोड़ दीजिए और आगे मत सॉल्व कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3।
dx ओवर x इंटू रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। अब क्या कर रहे हैं कि रूट में से एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया जा रहा है। अगर एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो रूट से तो एक्स ही बाहर आएगा और एक एक्स ऑलरेडी है, अब क्या है ये जो ये टर्म है इसको पुट करते हैं z, ये बनेगा a इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस वन। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे माइनस वन इंटू ए ओवर एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, या मैं ऐसे कहूँ कि डी एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी जेड ओवर ए। ये उठा के यहाँ पे पुट करेंगे आई विल बी इक्वल टू, ये सारी चीज़ किससे रिप्लेस हुई, माइनस डी जेड ओवर ए इंटू वन ओवर रूट ऑफ जेड। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखा जाएगा बेटा, आई विल बी इक्वल टू माइनस वन ओवर ए डी जेड ओवर रूट जेड, माइनस वन ओवर ए डी जेड रूट जेड मीन्स जेड रेज टू पावर वन बाई टू, वन ओवर ए जेड रेज टू पावर माइनस वन बाई टू इंटू डी जेड, माइनस वन ओवर दिस जेड रेज टू पावर वन बाई टू ओवर वन बाई टू प्लस सी माइनस टू ओवर ए इंटू जेड रेज टू पावर वन बाई टू मीन्स रूट जेड, जेड की वैल्यू रिप्लेस कर दो। माइनस टू ओवर ए रूट, ठीक है बेटा। बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलो सेकंड क्वेश्चन में। नेक्स्ट करवाता हूं मैं क्वेश्चन नंबर फोर आपको। एक्स रेज टू पावर टू एक्स रेज टू पावर फोर प्लस वन होल रेज टू पावर थ्री बाई फोर। देखिए इसको कैसे करना है बेटे, यहां से आप इस ब्रैकेट से एक्स रेज टू पावर फोर बाहर निकालिए। जब x रेज टू पावर 4 बाहर निकालोगे उसके ऊपर भी पावर है x 3 बाई 4, तो अल्टीमेटली पावर क्या बाहर निकलने वाली है x रेज टू पावर 3, यहां पे बचेगा हमारे पास ये, ठीक है। तो हमारे पास बना क्या x रेज टू पावर 5 इंटू 1 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर दिस। अब हम क्या करते हैं 1 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 इसको z पुट करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे माइनस 4 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। एक्चुअल में ये क्या बनेगा माइनस 4 इंटू डी एक्स ओवर एक्स रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू डी जेड। तो ये चीज़ आपके पास कहाँ पे है, यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या बनी डी एक्स ओवर एक्स रेज टू पावर 5 दैट विल बी इक्वल एंड इक्वल टू माइनस डी जेड ओवर 4। ये यहाँ पे पुट कीजिए तो आई क्या बन गया आपके पास माइनस डी जेड ओवर 4 इंटू, ये सारी चीज़ हमने पुट किया है जेड, 1 ओवर जेड रेज टू पावर 3 बाई 4 माइनस 1 ओवर 4 z रेज टू पावर माइनस 3 बाई 4 डी जेड माइनस 1 ओवर 4 इंटेग्रेट किया प्लस 1 किया माइनस 1 ओवर 4 इंटू 4 ओवर 1 z की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया यहाँ से 1 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4
4 raised to power 1 by 4. 4 से 4 कैंसल, 1 प्लस 1 ओवर x raised to power 4. 4th क्वेश्चन का आंसर चेक कर रहा हूँ बेटा मैं. ठीक है, ओके बेटा. नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे. ये जितने भी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा, ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं. सभी के सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं बेटा. मैं कोशिश करूँगा आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाऊँ आपके लिए बेटा मैं. नेक्स्ट है 1. x रेज टू पावर 1 by 2 प्लस x रेज टू पावर 1 by 3, ये है आपके पास. ठीक है, ये स्टेटमेंट गिवन है. हालांकि इस क्वेश्चन का आपको हिंट भी गिवन है बेटा, बट क्या क्या हुआ है यहाँ पे, x रेज टू पावर 1 by 3 कॉमन लिया गया है. ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट में x रेज टू पावर 1 by 3 को बाहर निकाला, ये बन गया x रेज टू पावर 1/6 प्लस 1, ये तो बाहर ही चला गया. ठीक है, अब क्या किया गया है, पुट x इज इक्वल टू, या मैं ऐसे कहूं x रेज टू पावर 1/6 को z पुट किया, या मैं ऐसे कहूं x की वैल्यू को z रेज टू पावर 6 पुट किया. dx will be 6 into z raised to power 5 into dz. सभी को replace कीजिए. dx की value क्या है, 6 into z raised to power 5 this. x की value put कीजिए, x की value क्या है, z raised to power 6 और उसकी power है 1/3. इसको आपने put किया है z plus 1. ये क्या बन गया, z स्क्वेयर, z प्लस 1. इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, z स्क्वेयर इंटू z रेज टू पावर 3 डी z ओवर z स्क्वेयर z प्लस 1 कैंसल. तो आपके पास अल्टीमेटली बना क्या, z रेज टू पावर 3 अपॉन में z प्लस 1. अब आप क्या कीजिए, या तो आप ऐसा कीजिए कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसको आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, लॉन्ग डिवीज़न मेथड आप सॉल्व कीजिए डिवीज़न का, नहीं तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क को 1 प्लस करो और 1 ही माइनस करोगे बेटे आप. तो बनेगा z रेज टू पावर 3 प्लस 1 ओवर z प्लस 1 डी z माइनस 1 ओवर z प्लस 1 डी z. z की पावर 3 उसके साथ प्लस 1 ले लिया. ठीक है, और यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब वाली. ठीक है बेटा, तो बनेगा a प्लस b, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी कैंसिल हो गया बेटा, आई विल बी 6. इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, अब आप जहां जहां पे z है वो इन टर्म्स ऑफ x रिप्लेस कीजिए बेटे. ये पहले आप 6 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे 2z रेज टू पावर 3 माइनस 3z स्क्वायर प्लस 6 इंटू z माइनस 6 इंटू log ऑफ z प्लस 1 प्लस c. ये देखिए x को आप z को आपने रिप्लेस करना x रेज टू पावर
6 एक्स रेज टू पावर 1 बाई यहाँ तक आप इसको क्विट कर सकते हैं। पहले मैं इसका आंसर बेटा चेक कर लूँ। आपका आंसर मैच करवाने जा रहा हूँ जैसा बुक में है। ये 1/6 इंटू 3 है, 2 एक्स रेज टू पावर 1/2 रह गया, 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/3 हो गया, प्लस 6 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/6 हो गया, और ये भी एज इट इज़। इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स की फॉर्म में, ओके है, -3x^3 +6 x^1/6 -log(x^1/6 +1 +c। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर पे नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है, इसको इंटीग्रेट करना है आपने। आप क्या पुट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जेड, तो एक्स विल बी जेड प्लस ए, डी एक्स विल बी डी जेड, तो आई किस फॉर्म में चेंज होगा, साइन एक्स, एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, जेड प्लस ए, और नीचे वाला साइन जेड डी जेड, साइन ए प्लस बी की एक्सपेंशन लगाइए, फॉर्मूला पुट करेंगे आप, सॉल्व करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ऑफ तो ये आपके पास क्या बनेगा, कॉस ए इंटू डी जेड प्लस साइन ए इंटू कॉस जेड ओवर साइन जेड डी जेड, कॉस ए इंटीग्रल साइन से बाहर, इसी तरह से साइन ए इंटीग्रल साइन से बाहर, कॉस जेड ओवर साइन जेड एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो यहां भी क्या होगा बेटा, कॉस ए इंटू जेड प्लस साइन ए इंटू लॉग ऑफ साइन जेड प्लस सी। आप जेड की वैल्यू रिप्लेस कीजिए बेटा यहां से, वैल्यू ऑफ जेड एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। एक्स इंटू कौन से साइन इंटू लॉग, साइन इंटू लॉग एक्स, ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। 11th इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 11th क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा।
वन ओवर कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। हाँ जी बेटा, ये स्टेटमेंट है आपके पास। सो ऐसे वाली स्टेटमेंट में आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको अर्ली स्टेज पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। अगर हम बेसिक उस पे चलें बिल्कुल ही, तो आप कहोगे जी ये तो फ्रैक्शन रैशनल फॉर्म में है तो पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, ठीक है। बट एक्सेप्शनल केसेस होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल थोड़े से ट्रिकी वे से होते हैं बेटा। जैसे मैंने क्या किया, इसमें साइन ए माइनस बी से डिवाइड किया और उतने से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप क्या किया, इसमें एक्स प्लस किया और एक्स ही माइनस किया। अब क्या किया, जो टिक मार्क किया है मैंने उनको एक साथ रखा और ये जो क्रॉस वाले हैं इनसे माइनस कॉमन लिया, इनको एक साथ रखा। अब मेरे पास ये क्या बना है बेटा, ये एक फॉर्मूला बना है साइन ए माइनस बी। वो फॉर्मूला हमें आता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और पूरे के डिनोमिनेटर में ये है, तो मैं उसको एक स्टेप कम करते हुए अलग अलग कर लेता हूँ। पहले ही कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी देखो मेरे पास यहाँ पे कैंसिल क्या होता है बेटा, साइन ए माइनस बी इंटीग्रल लीनियर प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस है, तो मैंने दोनों को अलग अलग किया। अब इनको इंटीग्रेट करना हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। कॉस को आप जेड से रिप्लेस करो विद नेगेटिव साइन, ऊपर डेरिवेटिव न्यूमरेटर पार्ट में मिलेगा तो लॉग बनेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको सिखाया गया है टेन, वैसे भी अगर देखा जाए तो ये टेन बनता है, ठीक है। वन ओवर साइन ए माइनस बी माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस ए और ये माइनस इंटू माइनस, दो माइनस यहाँ पे हो गए, लॉग कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, लॉग एम माइनस लॉग एन, वो क्या बनेगा, लॉग एम ओवर लॉग
ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18, ये 11th क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18, रूट साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, ये बेटा स्टेटमेंट गिवन है हमें, साइन ए प्लस बी वो जो फॉर्मूला है उसको एक्सपेंड किया मैंने, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट से मैं साइन एक्स जो है वो कॉमन लेता हूं, तो मेरे पास साइन यहाँ पे पावर 4 हो जाएगी, और ये मेरे पास क्या बना, साइन एक्स बाहर चला गया कॉस अल्फा, ये मेरे पास बन गया कॉस अल्फा सॉरी कॉस एक्स ओवर साइन एक्स इंटू साइन अल्फा, और ये साइन रेज टू पावर 4 है उसको मैं रूट से बाहर लेके जाता हूँ बेटा, जब मैं उसको रूट से बाहर लेके जाऊँगा तो मेरे पास बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बचा कॉस अल्फा प्लस ये क्या बना कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, साइन स्केयर एक्स है, इसको मैं न्यूमरेटर पार्ट में अगर ले जाना चाहूँ तो ये क्या बनेगा मेरे पास कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। अब क्या करता हूँ बेटा, मैं ये जो रूट के अंदर टर्म है उस पूरे को मैं जेड पुट कर रहा हूँ, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर मैं इसको इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये 0, कॉट का क्या होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और साइन अल्फा एज इट इज रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, तो मेरे पास क्या वैल्यू आई कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी जेड ओवर साइन ऑफ अल्फा, ये मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास जो इंटीग्रल पार्ट है जो इंटीग्रेशन वाला फंक्शन है वो किस फॉर्म में चेंज होने वाला है, माइनस डी जेड ओवर साइन अल्फा इंटू रूट ऑफ जेड, रूट के अंदर जितनी टर्म थी सब कुछ हमने क्या है जेड को से रिप्लेस पुट किया है, तो माइनस वन ओवर साइन अल्फा, और इसको मैं इस फॉर्म में लेके जाता हूँ माइनस वन ओवर साइन अल्फा माइनस टू ओवर साइन अल्फा, अब जेड को फिर रिप्लेस कर दिया जेड किसके इक्वल है कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, ठीक है बेटा आप यहीं तक क्विट कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19,
19 क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है? साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन में साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, ये बेटा स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है और हमें उसने कंडीशन बोली, ठीक है, हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ये आइडेंटिटी मालूम है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई ओवर 2। ये हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे इसको, ठीक है बेटा। साइन इनवर्स एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो होगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे रिप्लेस किया उसको, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स और ये कॉस इनवर्स रूट एक्स, और डिनोमिनेटर पार्ट में आ गया पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू दिस ओवर दिस 1 इंटू डी एक्स रह गया, माइनस 2 इंटू 2 ओवर पाई कॉस इनवर्स रूट एक्स, ये चीज़ बनी मेरे पास, ठीक है। इसका तो सिंपल है मेरे पास, एक्स 4 ओवर पाई कॉस इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है, लेट इट बी आई वन, ठीक है। हम क्या करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ, लेट इट बी जेड, तो कॉस जेड हो गया मेरे पास रूट एक्स, या मैं ऐसे कहूँ कॉस स्क्वायर जेड हो गया मेरे पास एक्स, तो डी एक्स विल बी माइनस 2 कॉस जेड इंटू साइन जेड इंटू डी जेड, ठीक है बेटा। तो मेरे पास ये आई वन, इसको रिप्लेस किए हैं जेड और ये माइनस 2 साइन जेड इंटू कॉस जेड, ठीक है। और हमने जो इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू जेड, इस इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। कॉस इनवर्स रूट एक्स को हमने जेड पुट किया और डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब आप ध्यान से देखते होंगे तो ये आपको कोई फॉर्मूला नज़र आता है बेटा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x, और ये वाला माइनस इंटीग्रेशन से बाई पार्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है। अब आई लेट को आपने रिकॉल कर लेना है, नहीं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है जो एक नहीं तो दो स्टेप में क्या कांस्टेंट टर्म बने, ताकि हमारे पास जो सिंगल टर्म रह जाए इंटीग्रेशन में और हमारा जो स्टेप्स हैं वो सारे के सारे कंक्लूड हो जाएं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2z ओवर 2, ठीक है, माइनस कॉस 2z ओवर 2, z का डेरिवेटिव दिस, ये बनेगा ये माइनस और माइनस प्लस, बट इस माइनस की वजह से फिर माइनस, z इंटू कॉस, कॉस का साइन
ये I1 की जो वैल्यू बेटा जी हमें मिल गई वो हम यहां पे पुट करेंगे, मैं इसको ऊपर वाले पार्ट को रब कर रहा हूं बेटा यहां तक, फोर ओवर पाई, और इसका इंटीग्रेशन जब सॉल्व किया जेड इंटू कॉस टू जेड ओवर टू माइनस साइन टू जेड ओवर फोर प्लस सी, आप यहां से एलसीएम सॉल्व कीजिए और उसको टू इंटू जेड इंटू कॉस टू जेड माइनस साइन टू जेड प्लस सी, ठीक है, इस फोर से ये फोर कैंसिल कर दो बेटा, अब आपको रिप्लेस करना है जेड को एक्स की फॉर्म में लेके आना है। आपको मालूम है कि आपने पुट किया था दिस इज इक्वल टू जेड, तो कॉस जेड आपके पास बना था दिस, कॉस के जेड बना था आपके पास एक्स, कॉस टू जेड होता है टू कॉस के जेड माइनस वन, तो कॉस टू जेड की वैल्यू आपके पास क्या आई टू इंटू एक्स माइनस वन। जेड को किससे रिप्लेस किया, कॉस इनवर्स रूट एक्स, कॉस टू जेड की वैल्यू टू एक्स माइनस वन, अब हमारे पास है साइन एक्स की वैल्यू रिप्लेस करना है हमें, साइन एक्स की वैल्यू साइन टू एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, साइन टू जेड इज इक्वल टू टू साइन जेड इंटू कॉस जेड, टू कॉस जेड की वैल्यू रूट एक्स, और साइन जेड क्या होगा वन माइनस कॉस स्क्वायर जेड और उसका रूट वन माइनस ये, ठीक है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कीजिए बेटा, टू इंटू रूट एक्स इंटू और अगर आप टू कॉमन लेना चाहें कॉमन लेके वो यहाँ पे आ गया। आंसर चेक करता हूँ, बेटा यहाँ तक ये क्वेश्चन का आंसर है, इसने किसी और फॉर्म में इवैल्यूएट किया है, और फॉर्म में इवैल्यूएट करने का मतलब यहाँ पे इसने साइन इनवर्स रूट एक्स को जेड से रिप्लेस किया हुआ है, तो कॉस इनवर्स के अकॉर्डिंग ये हमारे पास आंसर बिल्कुल सही है।